नंबर 13 देखते हैं। बिंदु P और Q दिए गए हैं, इनको मिलाने वाली एवं P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात, यानी हमें वेक्टर PQ निकालना है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश हमें पता है कैसे निकाला जाता है, -1 -2 आई कैप, है ना। आप फॉर्मूला जानते हैं ना जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप, यही ना होता है जी। चलिए तो यहां से आपका आ जाएगा -2 - -3 जे कैप और फिर प्लस -4 - 0 के कैप, मैंने रख दिया। यहां से क्या आ जाएगा, -3 i कैप - 5 j कैप और यहां पर आपका हो जाएगा -4 k कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर